हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 10 न्यू मल्टीप्लेयर गेम्स के बारे में। दोस्तों, नई मल्टीप्लेयर गेम की वीडियो आ चुकी है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं जिनके अंदर मल्टीप्लेयर गेम्स मैंने दिखाई हैं। आप गाइस ने बहुत ही ज़्यादा उन गेम्स को लाइक किया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आइंदा से मैं टॉप 10 न्यू मल्टीप्लेयर गेम्स की सीरीज़ को इसी तरह आगे बढ़ाता चला जाऊँगा। इसका पार्ट 2, 3, 4 जैसे ही नई गेम्स आती जाएंगी मैं उनको ऐड करता जाऊंगा और आपके लिए उन वीडियोस को लाता रहूंगा। सो गाइस, चलिए इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट गेम का नाम है बैटल लाइव। जी हाँ गाइस, ये एक जोम्बी बैटल गेम है, मतलब कि जोम्बी भी इसे कह सकते हैं और नॉर्मल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी कैटेगरी के प्लेयर देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि शुरू में आपने सेलेक्ट करने होते हैं और उसी के साथ आपका गेम प्ले स्टार्ट हो जाता है। इस गेम के अंदर गाइस होता क्या है ना कि 4 प्लेयर होते हैं टोटल, जिनको इस मैदान के अंदर, इस मैप के अंदर आपको छोड़ा जाता है। वहाँ पर से आपने मारना होता है जो भी आपके सामने ज़ोंबी आएगा या कोई दूसरा प्लेयर आएगा जिसने आपका सर्वर को ज्वाइन किया होगा। तो सारे गाइस मिलके एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। जैसे जैसे आप किसी एनिमी को किल करेंगे आपका रैंक अप होता चला जाएगा, उसके साथ आपका एबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो प्लेयर सेलेक्ट किया हुआ है उसके पास एक बेसबॉल बैट है जिससे वो अपने अपोनेंट्स को मार रहा है। एटीएम मशीन भी यहाँ पर है जिसको मारने पर हमें काफ़ी सारे कॉइन्स मिलते हैं। सो गाइस, ये गेम अच्छी है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ हमारी नेक्स्ट गेम की तरफ, जिसका नाम है गाइस ब्यूटीफुल चिकन। ये गाइस बहुत ही फन कैटेगरी वाली गेम है जिसके अंदर आपको मल्टीप्लेयर की ऑप्शन तो अभी फ़िलहाल नहीं आई है, लेकिन इसका जब टोटली तौर पर ये वाली गेम रिलीज़ होगी, अभी इसका जस्ट ना ट्राई वर्जन आया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जब इस गेम का प्रॉपर तौर पर मल्टीप्लेयर वर्जन आ जाएगा तब मैं आपको इसके बारे में इतला दे दूँगा। तो गाइस फिलहाल तो इसका ट्राई वर्जन है, इसे आप ट्राई करिए, देखिए कितनी मज़े की गेम है। सिंगल प्ले मोड है, इसके अंदर आपको अपोनेंट चिकन्स को मारना होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के साथ। डिफरेंट डिफरेंट मैप होते हैं और काफ़ी सारे न्यू इसके अंदर आपको गेम प्ले मोड्स खेलने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि आपको ये देख कर काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कितनी मज़े की ये गेम होने वाली है। तो गाइस बात करते हैं हमारी सीरीज़ की थर्ड गेम के बारे में, जिसका नाम है A3 Still Alive। जी हाँ गाइस, ये वाली गेम एक MMORPG गेम है जो कि आपको मल्टीप्लेयर कोऑप की ऑप्शन दे रही है। इसके अंदर आपको किसी भी अपने दूसरे प्लेयर को ज्वाइन करवा के एरिया को कवर करना होता है। उसके लिए आपकी एक छोटी सी आर्मी होती है जो कि आपने स्टार्टिंग के ऊपर सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर के साथ बहुत ही हैवी फाइट हो रही है, जिसके लिए हमारा जो साथी है वो भी हमारी मदद कर रहा है। और इसके अंदर आपको स्लो मोशन सीन बड़े कमाल के देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आप अपने प्लेयर को अपग्रेड भी कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हैं। और जो जंग के दौरान आपके जो साथी होते हैं जब उनको कोई चोट आती है तो आप उनको बैंडेज भी कर सकते हैं। गाइज हमारी फोर्थ गेम का नाम है बैटल कार्स। जी हाँ गाइज, पबजी ही की तरह ये वाली भी टोटली तौर पर गेम आपको बैटल रॉयल देखने के लिए मिलेगी। आपको एक मैप के अंदर जाना होता है, वहाँ पर से आपने सारे अपने अपोनेंट्स को क्लियर करना होता है, उनको मारना होता है। बहुत कमाल का इन्वायरमेंट है, कमाल कमाल की आपको व्हीकल्स राइड करने को मिलेंगी और सिनेरियो भी इसका टोटली तौर पर पबजी जैसा है। अगर आपको वो वाली गेम पसंद है तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। हमारी फिफ्थ गेम का नाम है ट्रूपर शूटर। जी हाँ गाइस, ये एक टीम डेथ मैच और फ्री फॉर ऑल बेस्ड गेम है जिसके अंदर आपको कैप्चन द पीकर वाला प्ले मोड भी खेलने के लिए मिल रहा है। और बहुत ही कमाल का इन्वायरमेंट है, न्यू गेम है, न्यू करेक्टर्स हैं, मज़े के इसके ग्राफिक्स हैं और इसके अंदर आप बॉम्ब फेंकेंगे और पिकअप करेंगे चीज़ें और डिफरेंट डिफरेंट मैप्स के अंदर जाकर अपने ओपोनेंट के साथ फाइटिंग कर सकेंगे। ऑनलाइन प्लेयरों के साथ भी खेल सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवा के खेल सकते हैं। यहाँ पर इसकी एबिलिटीज शो हो रही हैं, वो बहुत ही कमाल की हैं। इस गेम को आप लाजमी तौर पर ट्राई करिएगा, मेरी ये फेवरेट गेम है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो गाइस चलिए इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारी इस सीरीज़ की नेक्स्ट गेम की तरफ, जिसका नाम है रेड डॉट।
जी हाँ गाइज, ये रिसेंटली रिलीज होने वाली गेम है जो कि जैपनीज डेवलपर्स की तरफ से आई है। ये वाली गेम गाइज बहुत ही मज़े की है। इसके अंदर आपको टीम डेथ मैच, फ्री फॉर ऑल, ये दो ऑप्शनें खेलने के लिए मिल जाती हैं, जिसके अंदर आप एक टीम के अंदर टोटल 4 प्लेयर ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज ये वाली गेम भी अच्छी है, इसे भी आप देखिए, इसके मैप काफ़ी अच्छे हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा ही थोड़ा सा इसका भी जो सीन है मुझे तो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर गेम प्ले मैंने अब थोड़े थोड़े इस गेम के, पहले गाइस मैं आपको ट्रेलर दिखाता था, लेकिन मैंने सोचा कि ट्रेलर को देख के इस गेम का इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि ये किस तरह गेम खेली जाती है, इसका गेम प्ले कैसा होगा। जब इसका गेम प्ले सामने आ जाता है ना, तब काफ़ी आइडिया हो जाता है कि यार ये गेम ऐसे खेली जाएगी, तो इसे मुझे ट्राई करना चाहिए या नहीं। इसीलिए मैंने, गाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर आपको ट्रेलर अच्छे लगते हैं तो मैं वो दिखा दूंगा, नहीं तो ये गेम प्ले तो है ही। गाइज बढ़ते हैं हमारी सीरीज की 7th गेम की तरफ, जिसका नाम है रंबल हॉकी। इस गेम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको पास 4 टोटली तौर पर आपके अपोनेंट होते हैं, अपोनेंट एनिमी के प्लेयर्स होते हैं, और एक जो होता है वो गोल कीपर होता है। इस गेम के अंदर आपको हॉकी मैच खेलना होता है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट कैटागरी के प्लेयर्स दिए जाते हैं, जिनकी डिफरेंट स्किल्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक भालू है, वो बहुत ही कमाल का स्ट्राइक कर रहा होता है, और जो वुल्फ होता है ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का होता है। सारे प्लेयरों की डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पर सारे कोशिश करते हैं कि अपोनेंट एनिमी के जो गोल कर दें और इस मैच को विन कर जाएं। 3 गोल करने वाला विनर होता है। सो गाइस बढ़ते हैं इसके साथ हमारी 8 गेम की तरफ, जिसका नाम है गाइस हैमस्टर्स। ये वाली गेम भी अच्छी है गाइस, मल्टीप्लेयर कैटेगरी में आ रही है। यहाँ पर एक चूहे के साथ इसका मुकाबला हो रहा है, छोटा सा चूहा, उसे एक ही पड़ी, वो बेचारा मर गया है। तो चलिए अब एक चिड़िया के साथ फाइटिंग होने वाली है, देखते हैं कि इसके साथ कैसा रहेगा। ये लो भाई, ये लो, चिड़िया भी गई, इसके तो तोते उड़ गए। तो चलिए गाइज, ये वाली गेम का भी आपको पता चल ही गया होगा, इसके अंदर 1v1 आपको मैच लगाना होता है। जो बंदा जीतेगा वो अगले एनिमी के साथ फाइटिंग करने के लिए अगले मैदान में पहुंच जाएगा। सो चलिए गाइस बढ़ते हैं हमारी सीरीज की 2nd लास्ट गेम की तरफ, जिसका नाम है शीप स्क्वाड। ये वाली गेम एक टर्न बेस्ड गेम है, जिसके अंदर बारी आती है आपकी, तो आपको फाइट करनी होती है, आपको मिसाइल फेंकना होता है, और दूसरी टर्न के ऊपर आपके अपोनेंट को मारना होता है आपने। सो बेसिकली ऐसी गेमों को हम टर्न बेस्ड गेम कहते हैं, जिसमें बारी बारी आपको मौका दिया जाता है फाइट करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मैच लगा है एक भेड़ के साथ, तो हमारे पास एक गन होती है जिसको हमने फेंकना होता है, जिससे गोली निकलती है या बॉम्ब निकलता है, वो टक्कर मारता है आपके अपोनेंट एनिमी को, तो उससे उसकी थोड़ी सी हेल्थ ज़ाया होती है, या फिर वो ऊपर से गिर जाता है, तो इससे हम जीत जाते हैं। सो गाइज हमारी इस सीरीज की लास्ट गेम का नाम है स्प्लैट गो। जी हाँ गाइज, ये वाली गेम बहुत ही कमाल की है, बहुत ही मज़े की है। इसके अंदर बेसिकली गाइस आपको एक गन दी जाती है, जिससे आपको सारे मैदान के अंदर वो स्प्लिट करना होता है, मतलब कि आपको वो गन जहाँ जहाँ पर आप फेंकेंगे वहाँ वहाँ पर वो एरिए के ऊपर एक पिंकिश कलर का जो होता है वो पानी गिर जाएगा। जितना एरिया आप ज़्यादा कवर करेंगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उस गेम को जीतने के, और ऊपर दिखाया भी जा रहा होता है कि कितने परसेंट टोटल मैप का एरिया जो है ना वो आपके कलर वाला हो रहा है, और कितना आपके अपोनेंट के कवर हो रहा है। सो गाइस ये थी हमारी आज की टॉप 10 न्यू गेम्स की लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।